स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे FTTH बेसिक नॉलेज चैनल पे। और दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो क्या है, रिंग टोपोलॉजी। बेसिकली हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम उसको आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि वो भी क्या होता है, बट मेन टॉपिक है हमारा नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी नॉट फॉर द कंप्यूटर लैब, नॉट फॉर द नाउ टीम, नॉट फॉर द नेटवर्क एडमिन, ये है बेसिकली फाइबर लेइंग, फाइबर डिप्लॉइंग। जब हम फाइबर को रोल आउट करते हैं, मींस उसका कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, तो अगर हमें रिंग में करना है, अपने फाइबर को रिंग में लगाना है, रिंग में बिछाना है, तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, जैसे मैंने तो यहाँ पे देखिए आपको आपको एक एग्जांपल जो दिखाया कि ये तीन कंप्यूटर आपस में रिंग की तरह जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही हमें भी अपने नेटवर्क को डिप्लॉय करना है। जैसे ये तो कंप्यूटर के लिए कि तीन कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो गए, या दो तीन फ़ोन आपस में कनेक्टेड हो गए और उस फोन का इस फोन में, इस फोन से उस फोन में हम डाटा भेज रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो बिल्कुल सेम यही फिलॉसफी, यही कॉन्सेप्ट हम अपने नेटवर्क पे अप्लाई करेंगे कि फाइबर को कैसे करें भाई, ये क्या कर रहा है कि हर एलिमेंट हमारे लिए एलिमेंट क्या है, स्प्लिटर है, हम स्प्लिटर को कैसे कनेक्ट करें कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा डाटा एक रिंग में फ्लो करे। ठीक है, तो बेसिकली जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो दो टाइप का होता है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर दो, और इस वीडियो को अच्छे से देखो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं रियली बता रहा हूँ कि अगर आप लोग नेटवर्क टोपोलॉजी को लेके एक दिमाग में पिक्चर तो बना हुआ है कि एक रिंग बनता है और इसमें कनेक्ट होता है, लेकिन अगर बेसिकली आज मैं आपसे बोल दूं कि ये फील्ड में कैसे होता है तो आपको समझ में ही नहीं है, आपको लगेगा कि ये कैसे करना है यार, ये कैसे होता है, मींस इसमें क्या दो ओएलटी यूज होता है या इसमें दो क्या यूज होता है, ये कैसे एक ओएलटी से निकला और एक ओएलटी में ही वो पोर्ट कैसे चला जाता है, ये क्या है, इसमें हम कौन सा स्प्लिटर यूज करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, और अगर आप फील्ड इंजीनियर हो या फील्ड में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के लिए या फील्ड इंजीनियर के लिए या प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा आज कॉन्सेप्ट, और बता रहा हूँ आगे कभी भूलेगा भी नहीं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिकल फिजिकली क्या होता है, हम जो टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, मीन्स अपने इंजीनियरों के लिए या अपने ISP भाइयों के लिए, कि हमें ISP अगर डिज़ाइन करना है उसके लिए, तो हम फिजिकल डालते हैं। लॉजिकल मतलब वही डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है भाई, यहाँ से वहाँ कनेक्टिविटी हो रही है, सर्वर से हम पूरे अपने ऑफिस के 100 कंप्यूटर को रिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो लॉजिकल हो गया कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। बट फिजिकल में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब स्प्लिटर कैसे यूज़ करेंगे, चैन बनाएंगे, रिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग, ये कितने टाइप्स के होते हैं फिजिकल टोपोलॉजी, तो ये 6 टाइप का होता है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टाइप टोपोलॉजी। दोस्तों हमें जो डिस्कस करना है वो रिंग पे करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टार, मैश, ट्री, हाइब्रिड के बारे में जानना है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इन सब पे भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं इन सब पे बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बनाते जाऊंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। लेकिन अभी रिंग की तो डिमांड है, रिंग कैसे होता है ये मुझे आपको आज बताना है। तो बेसिकली ये बस टोपोलॉजी, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कि OLT से, ये तो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर का यहाँ पे डिज़ाइन है, इससे समझ लेते हैं कि प्राइम इस OLT से हमारा फाइबर आया और प्राइमरी, फिर हमारा सेकेंडरी, फिर हमारा टर्सरी, फिर फोर्थरी, ऐसे हम अपने लगाते जाते हैं और कस्टमर को कनेक्ट करते हैं। मतलब बस की डिज़ाइन आपको पता है, यहाँ से नेटवर्क चला और एक दूसरे को ये मेन बोन, ये लाइन है, और इस पे हम कहीं से भी, जैसे हमने 12 का फाइबर डाल दिया या 24 का फाइबर डाल दिया, और वहाँ से अपना एक एरिया ए ब्लॉक को कनेक्शन दे दिया, एक बी ब्लॉक को कनेक्शन दे दिया, एक सी ब्लॉक को फाइबर दे दिया, एक डी ब्लॉक को दे दिया और एक एफ ब्लॉक को दे दिया। ये ऐसे बस टोपोलॉजी है। अब है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है,
रिंग टोपोलॉजी, अच्छा बस टोपोलॉजी का यहाँ पे मैंने एडवांटेज भी लिखा हुआ है। एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है कि इसमें कम से कम केबल की खर्च होती है। जैसे अगर मुझे जहाँ पे 100 मीटर या जहाँ पे 100 किलोमीटर की फाइबर यूज करनी होगी, वहाँ पे हो सकता है कि मैं 50 किलोमीटर से ही काम चला लूँ, लेकिन अगर रिंग बनाना है तो 100 लगेगा ही, ठीक है। और ईजी इंस्टॉलेशन का मतलब कि हम ईजिली उसे डिप्लॉय कर देते हैं। मीन्स एक तार को लिया गली नंबर एक में छोड़ दिया, एक तार को लिया गली नंबर बी में छोड़ दिया, एक तार को लिया गली नंबर सी में छोड़ दिया, तो ऐसे हमने काम कर लिया। तो ये तो बस की हो गई, बस टोपोलॉजी। अब है रिंग। रिंग में सिंगल और डुअल है, दो टाइप्स के होते हैं, मतलब एक में सिंगल रिंग बनता है और एक में हमें डबल रिंग बनाना होता है। तो आइए हम रिंग टोपोलॉजी को समझते हैं कि क्या होता है। तो रिंग टोपोलॉजी अपने नेटवर्क पे, अब हमारी बारी स्टार्ट होती है, अब हमें इस पे ध्यान लगाना है दोस्तों। तो प्लीज कंसंट्रेट, फोकस कर लेना इस चीज पे। आज देखिए क्या है, OLT है और FMS है। OLT एक्टिव डिवाइस है, FMS पैसिव डिवाइस है। हमने OLT कितने पोर्ट के लिए? 8 पोर्ट की, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या है, पॉन पोर्ट है। और ये FMS है, FMS मैंने कितने पोर्ट का लिया, ये आपके 12 और ये 24, ठीक है ना, ये 12 है, देखिए 4 4 8 4 12, और 12 इस साइड में है, तो हमने 24 पोर्ट की FMS ले लिया। FMS का मतलब फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम, OLT का मतलब आपको पता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, ये एक पैसिव डिवाइस है। अब दोस्तों क्या होता है कि OLT से FMS एटेजिट ये कनेक्ट होते जाता है, ये पैच कोड से कनेक्ट होता गया आपस में। अब यहां से हमारा फील्ड फाइबर निकलेगा, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, हम एक कनेक्शन को देखते हैं, रिंग बना के समझते हैं कि ये देखिए एक कनेक्शन यहां से निकला, इससे कनेक्ट गया, अब इससे फील्ड फाइबर फील्ड के लिए निकला और ब्लू कलर का फाइबर निकला। अब हमने यहां पे एक स्प्लिटर यूज किया है और ये स्प्लिटर है प्राइमरी स्प्लिटर। और रिंग टोपोलॉजी में जो प्राइमरी स्प्लिटर होता है यूज, वो होता है 2:8 का, मींस 2 इनपुट 8 आउटपुट। अब ये देखिए, अब मान लीजिए कि अगर मैंने 12 का फाइबर ले आए, ठीक है, समझना दोस्तों, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना यहाँ पे, 12 का फाइबर हम लेके निकले। अब ये 12 का फाइबर आया, ब्लू कलर वाला कटा, उसे हम कट करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी में जोड़ देंगे। अब वही ब्लू कलर का फाइबर आगे भी बढ़ेगा, अब वो जो आगे बढ़ेगा ब्लू कलर का फाइबर, उसको हम अपने दूसरे पोर्ट से कनेक्ट करते हुए और आगे लेके जाएंगे और FMS के 13वें पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। 12 का फाइबर अगर हम लेके चल रहे हैं तो 13वें में उस FMS को डाल देंगे, क्लियर है। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा फाइबर ये हो गया कट, तो हम यहां से पेज कोड निकालेंगे और इस पेज कोड को 13वें में लगा देंगे। हमारा डेटा ऑप्टिकल सिग्नल इधर से फ्लो होते हुए इस प्राइमरी स्प्लिटर में आएगा और यहां से कस्टमर एक्टिवेट हो जाएगा। यही है रिंग। ये तो एक सिंगल फाइबर के लिए मैंने बताया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं कि यही 12 में 24 में 48 में कैसे करना। तो दोस्तों सिंगल के लिए समझ में आ गया होगा आपको कि एक पेज कोड लगा, पेज कोड से फाइबर ब्लू कलर का निकला, मान लीजिए 12 का है तो पहला नंबर ब्लू है, अब पहले नंबर से पहला स्प्लिटर लगाए। अब इसी का दूसरा पोर्ट जो फ्री है और जो ब्लू वाली, एक तो ब्लू वाला कनेक्ट हो गया स्प्लिटर से, लेकिन वो ब्लू फाइबर तो उस वायर के अंदर है ही जहां पे आप सेकेंडरी खोलेंगे, टर्सरी खोलेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो ब्लू वाला फाइबर यहां के सेकेंडरी से कनेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी पोर्ट से कनेक्ट होगा। ध्यान रखना इसमें 2 पोर्ट होता है, ठीक है ना, 1:8 का है, तो दूसरे पोर्ट से कनेक्ट होगा और ये दूसरा पोर्ट एटेजिट 13वें नंबर से जाके जुड़ जाएगा। और जब ये फाइबर मान लीजिए कट हो गया तो ये इससे कनेक्ट होता है और फिर ये यहां से ऑप्टिकल सिग्नल इसको मिल जाता है। ये काम हमें मैनुअल करना पड़ता है। अगर हम छोटे ISP हैं तो ये काम हम मैनुअल करेंगे। अगर मान लीजिए हम बहुत बड़े ISP हैं, हम ए ग्रेड के हैं, मतलब जियो हुआ, चाहे एयरटेल हुआ, चाहे कोई भी इस तरह की एक बड़ी कंपनी, वो कैसे करता है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा। अब तो आप कहोगे वो भी मैनुअल करता है, तो बेसिकली हाँ जी, वो भी मैनुअल ये काम करता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, ये VIP कॉलोनी है, यहाँ पे प्लान में 2-2 हज़ार का बेच रहा हूँ, बिजनेस उसको ज़्यादा दिख रहा है, तो वो यहाँ पे 2 OLT लगाएगा और दूसरे OLT के दूसरे पोर्ट से ये कनेक्ट होगा। तो सपोज ये फाइबर कट गया तो वो 13वें से
सिग्नल उसको ओएलटी से मिलने लगेगा, लेकिन वहां पे भी नॉक टीम को एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि 2:2। अब देखिए ये कैसे डिजाइन होता है। ये देखिए पहले से ये सारे इससे लग गए हैं, ठीक है, मींस ओएलटी के ओएलटी से एफएमएस के सारे पोर्ट कनेक्ट हुए। अब एफएमएस से फील्ड फाइबर फील्ड के लिए निकला, ये फील्ड फाइबर गया। अब हम यहाँ पे कट करके प्राइमरी स्प्लिटर लगा रहे हैं। अब प्राइमरी स्प्लिटर निकालेंगे तो ब्लू वाले फाइबर में स्प्लिटर को लगाएंगे और एक पोर्ट खाली रहेगा, वो पोर्ट इससे फाइबर से होते हुए इसके 13वें से कनेक्ट हो जाएगा और ये जेसी बॉक्स में बंद हो गया। अब रिंग की डिजाइन हो रही है आपकी, और रिंग में हमेशा प्राइमरी ही लगेगा, सेकेंडरी नहीं लगेगा। जो रिंग बनेगा वो प्राइमरी स्प्लिटर का बनेगा। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, सेकेंडरी स्प्लिटर लगाएंगे, इसमें ऑरेंज कलर को जोड़ेंगे इनपुट, और वही ऑरेंज कलर वाला जो फाइबर है वो सेकेंडरी पोर्ट से कनेक्ट होके 14वें नंबर में जाके लग जाएगा एफएमएस के। ठीक है, अब दोनों ये जाके जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में हम आए, अब ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर वाला एक कनेक्ट हो जाएगा स्प्लिटर में इनपुट, और उसका जो दूसरा वाला केबल होगा वो निकल के जाके 15वें नंबर एफएमएस के पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका रिंग तैयार हो गया, इस रिंग में कितने हैं, 3 स्प्लिटर। ऐसे ही चौथा फाइबर होगा, चौथा कनेक्ट होगा और उसके दूसरे पोर्ट से जो चौथा वाला फाइबर होगा वो 16वें नंबर के पोर्ट से जाके कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रिंग की डिजाइन होती है। अब मेन फाइबर मान लीजिए, अब ये आपका पूरा फाइबर मेन है और ये कट हो गया, तो आपको क्या करना होगा? अगर ये मेन फाइबर कट हो जाएगा तो आपको ये पोर्ट बदलना पड़ेगा, मींस यहां से ये मैन्युअली करना पड़ेगा। ये जितने कनेक्शन इस पोर्ट में हैं ये सारे को इसमें हम लगा देंगे तो हमारा इधर से डेटा चलने लगेगा और यहां तक का इंटरनेट चलेगा। इसके आगे की वायर को हम एक दो घंटे में रिजॉल्व कर लेंगे तो हम फिर इधर से चाहें तो कनेक्शन चला दें, चाहे इधर से ही चलने दें। अब दोस्तों यहां पे एक चीज और है। अब मान लीजिए कि जैसे ये 8 पोर्ट की ओएलटी है और आप 8ों को इससे कनेक्ट कर दिए हो, ठीक है, समझना बात को। तो अगर अब 8ों से तो कट दिए, अब फाइबर तो रोज रोज कटता नहीं है कि डेली सुबह कट गया फाइबर और आप शाम को उसे अरे शाम तक उसे रिजॉल्व कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो। तो अब होगा कि ये फाइबर, ये सारे डाटा इधर से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे डाटा इधर से फ्लो हो रहे हैं और ये जा रहे हैं यहाँ तक, लेकिन जो यहाँ से दूसरा वाला फाइबर यहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से इसका वाला फाइबर इससे कनेक्ट हो रहा है, क्या वो फाइबर मेरा सही है? हम वो फाइबर को मॉनिटर कैसे करेंगे कि कहीं वही फाइबर, यहाँ तक तो फाइबर सही है, उसके आगे वाला फाइबर मेरा खराब हो गया है, डैमेज हो गया है या काम नहीं कर रहा है, हमें ये बात कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए हमें जानना है तो हम फाइबर मॉनिटरिंग के लिए इस केस में क्या कर सकते हैं कि 4 कनेक्शन इसके 4 पोर्ट से लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 पोर्ट हम 13, 14, 15, 16, मतलब 12, उसके बाद ये 13, 14, 15, 16, इधर के 24 पोर्ट के हैं तो इधर 12 पोर्ट इधर, 12 पोर्ट इधर। तो हम क्या करेंगे कि 13, 14, 15, 16 पे लगा देंगे, तो 4 के डेटा, तो 4 का फाइबर इधर से हमें सिग्नल मिलेगा 4 स्प्लिटर का, और 4 स्प्लिटर का सिग्नल हमें इधर से मिलेगा। तो इस सिनेरियो में अगर हम ऐसे डिजाइन करेंगे ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? कि अगर इस तरह से हम डिजाइन करेंगे तो हमारा फाइबर मॉनिटर होता रहेगा, कि मींस इधर वाले रूट का भी फाइबर सही है, ये इधर वाले रूट का मतलब कि हमारा ये वाला भी फाइबर सही है और हमारा इधर वाला भी फाइबर सही है, हमें ये दोनों फाइबर का आइडिया चल जाएगा कि ये दोनों फाइबर मेरे सही हैं अगर हम इस मॉनिटरिंग पे लगाएंगे तो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आज रिंग टोपोलॉजी की कैसे वर्क करता है और इसकी डिज़ाइन कैसे होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको रह रहा हो क्वेरी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग मुझसे नंबर मांगते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम और मैंने लिंक्डइन और कू का लिंक शेयर किया हुआ अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा लिंक, ठीक है, और वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हो, या मेरे नंबर से अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं वहाँ पर नंबर भी शेयर कर दूंगा आपको। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा
वो ये देखिए, ये फाइबर मॉनिटरिंग की हो रही है यहाँ पे प्रोसेस, कि आप कैसे इसे मॉनिटर करते हैं। ये दोनों तरफ से मैंने चार चार बना दिया है, तो ये उसके इमेज हैं, आपको देख के क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो स्पीड इशू, अगर कस्टमर को स्पीड की कंप्लेनें आ रही हैं तो हम क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पे और कैसे कस्टमर को गाइड करेंगे। और अगर आप एज ए कस्टमर इस वीडियो को देखोगे तो आप अपने नेटवर्क पे, अपने वाईफाई पे ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि मुझे क्या स्पीड मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है और मुझे क्या मुझे चेक करना चाहिए कि मेरे पास स्पीड सही है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, बने रहिए वीडियो में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और प्लीज़ अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि आपको फ्यूचर में आप कुछ कर पाओ।